रहता हूँ, देश व्यास गुना मध्य प्रदेश से आया हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है जो कि मैं पूर्व में भी कई कथा वाचकों से और पूज्य संतों से पूछ चुका हूँ, लेकिन मैं उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हूँ। वाह, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि क्या महिलाओं को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा आपके ही मुखारविंद से सुना है कि गायत्री मंत्र जो है विमोचित श्रापित है, तो बिना शाप विमोचन के गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकते, तो क्या महिलाएं गायत्री मंत्र का जप कर सकती हैं, हाँ या नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न है। जब बड़े बड़े कथाकार हार गए तो हम तो हारे ही कहा है। नहीं गुरुदेव, उन्होंने अपने मत से उत्तर दिया, लेकिन मैं साधु जी, गायत्री ब्राह्मण की मूल है और यज्ञोपवीत संस्कार वाला व्यक्ति ही गायत्री का जप कर सकता है। स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि जो है स्त्रियां गायत्री का जाप नहीं कर सकती। बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी, बहुत बहुत साधुवाद। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जब पुष्चरण बहुत कर लिए, गायत्री के दर्शन नहीं भए, गायत्री माता की कृपा नहीं हुई, तो धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी के पास गए। उन्होंने कहा, सरकार हमें तो विश्वास उठ गया कि देवी है भी कि नहीं। इतना जप कर लिया हमने, इतने अनुष्ठान कर लिए, 24 अनुष्ठान कर लिए। गायत्री में 24 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 24। लेकिन आज तक हमें देवी की कृपा नहीं हुई, हमारा मन बड़ा खिन्न है। तब जो है पूज्य श्री धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज ने कहा कि देखो भाई आचार्य जी, आपने गायत्री उपासना तो की है, पर आपके शरीर में ब्राह्मणत्व नहीं है, इसलिए आपको गायत्री माता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। और जब धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को तपोबल से ब्राह्मणत्व प्रदान किया, तब उनका अनुष्ठान सफल हुआ गायत्री माता की कृपा। ऐसा एक जगह लेख हमने उनकी ही किसी पुस्तक में पढ़ा, तो इससे सिद्ध हो गया गायत्री का जाप यज्ञोपवीत धारी ही कर सकते हैं।